नमस्कार दोस्तों, NHPC शेयर में आज के ट्रेडिंग सेशन में 0.5% की क्लियर आपको गिरावट दिखाई दे रहा है। तो उसके साथ देखेंगे स्टॉक में एक डोजी कैंडल बन रहा है, स्टॉक कंटिन्यूसली यहाँ पे गिरता आपको दिखाई दे रहा है। तो अभी आपके मन में सवाल आ रहा होगा क्या स्टॉक में यहाँ पे तेजी आएगा या गिरावट आएगा, तो अगर ऊपर बढ़ेगा क्या टारगेट रहेगा, नीचे जाएगा तो क्या सपोर्ट लेवल रहेगा, सभी कंडीशन को इस वीडियो में क्लियरली समझेंगे। तो इस वीडियो को कम्प्लीटली जरूर देखिए। तो उसे नोटिस कर सकते हो NHPC शेयर स्टॉक अप एग्जैक्टली ऑप ट्रेंड में कंटिन्यू कर रहा था, अब इसको ब्रेकडाउन करके नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। तो सपोर्ट लाइन की बात करें 73.37 का आपको दिखाई दे रहा है सपोर्ट लेवल है। स्टॉक अभी अपना सपोर्ट जोन के पास में आ गया है, तो यहाँ पर देखेंगे कि रेजिस्टेंस था 117.5 का, इसको रेजिस्टेंस बना के नीचे आ रहे हैं। तो मैक्सिमम संभावना यही रहेगा कि स्टॉक यहाँ पर सपोर्ट लेकर ऊपर का मूवमेंट आपको दिखा सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा देखना चाहिए कि सपोर्ट लेवल के पास में कोई भी एक मोमेंटम कैंडल बने या फिर बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न आपको देखने को मिले। अगर दिखे तो समझ लीजिएगा स्टॉक में तेजी आएगा। तो डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, देखेंगे तो एक डोजी कैंडल बना है, तो ये एक इंडिसन कैंडल है। तो इसके बाद अगर कोई भी पॉजिटिव कैंडल बनता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कैंडलस्टिक पैटर्न अगर बुलिश बनता है, तो समझ लीजिएगा स्टॉक में तेजी का मोमेंट रहेगा। तो यहाँ पर देखें तो स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू कर रहा है, अपना सपोर्ट लेवल को भी ब्रेकडाउन करके नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। रेजिस्टेंस की बात करें, रेजिस्टेंस लेवल आपको 100.5 का दिखा दे रहा है, 100.5 में है, उसके बाद रहेगा 107.70। स्टॉक में दोस्तों कोई भी बाय सेल होल्ड करने की सलाह या सुझाव नहीं है, वीडियो एजुकेशन पर्पज में है। इस वीडियो को लाइक करें। सो धन्यवाद।